स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए बच्चों जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ करती है। तो देखिए बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इनफ्लो और आउटफ्लो शो करती है कैश का और साथ साथ कैश इक्विवेलेंट्स का भी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश शो कर रही है एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। अब ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को इंक्रीज करती है, इसका मतलब उन्हें इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहा जाता है। और ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंस को डिक्रीज कर रही है, उन्हें आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहा जाता है। तो ट्रांजेक्शन्स जो कैश इंक्रीज करें वो इनफ्लोज, जो ट्रांजेक्शन कैश को या कैश इक्विवेलेंट्स को डिक्रीज करें वो कहलाएंगी आउटफ्लोज ऑफ कैश। मैं आप लोगों से कैश इक्विवेलेंट्स का मीनिंग भी जरूर डिस्कस करूंगा इन द कमिंग वीडियोज़ बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।